गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपके जन्म कुंडली में उस योग को लेके आया हूँ जिस योग के कारण आप अपने सांस को पूर्ण रूपे नहीं ले सकते, सांस लेने में समस्या हो जाती है। जी हाँ, अस्थमा योग, सांस लेने की परेशानी यानी उखड़ती हुई प्राण वायु। शास्त्रों में इसकी चर्चा मिलती है उखड़ती हुई प्राण वायु के रूप में। यह रोग जो है वो लगातार नहीं रहता, यह समय के परिवर्तन यानी संक्रमण काल जब होगा, एक ऋतु की समाप्ति और दूसरी ऋतु के आगमन, इस काल में यह रोग सबसे अधिक प्रभावित होता है। यदि इस रोग का शुरुआती दौर में ध्यान दिया जाए तो जन्म के 15 वर्ष के अंदर इस रोग को मूल से समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा जिस जातक की उम्र 15 से अधिक हो चुकी है वह इस रोग में सबसे पहले इसके नियम पर चले। आपको किसी प्रकार के धूल कण इत्यादि से बचना होगा। एलर्जी जिससे उत्पन्न होते हैं ऐसे चीजों से आपको दूर रहना होगा तो आप इस रोग से कुछ हद तक बच सकते हैं। साथ ही साथ यह 5 प्रकार का होता है, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और शुद्र श्वास। यह वात एवं कफ जन्य रोग है और जन्म कुंडली में यह शनि राहु इसके मुख्य कारक ग्रह होते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा। यह हमारे जन्म कुंडली में तृतीय और चतुर्भाव से, तृतीय घर और चतुर्थ घर से इसका योग होता है। यदि कर्क में मंगल नीच का बैठा हो और शनि से दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो व्यक्ति को अस्थमा का रोग हो जाता है। लग्नेश जो है शनि के साथ संबंध कर त्रिक में 6, 8, 12 में कहीं स्थित हो तो व्यक्ति को अस्थमा रोग हो जाता है। राहु, चंद्रमा के साथ स्थित होकर या केतु चंद्रमा के साथ स्थित होकर 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति को अस्थमा रोग होने की संभावना। साथ ही साथ जल राशि से युक्त होकर चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में हो तो भी व्यक्ति को अस्थमा रोग हो जाता है, परंतु इसके साथ साथ शनि भी कमजोर होना चाहिए। इनके उपचार बड़े सरल और सटीक हैं। देखिए, गुनगुना जल में अपने पैर को आप डाला कीजिए सुबह और शाम। यदि किसी को अस्थमा रोग है तो गुनगुना जल में अपने पैर को वह डाले, एरी को पूरे अच्छे से उसमें डुबो के रखे। साथ ही साथ नींबू का रस और अदरक के रस को वह प्रातःकालीन ग्रहण करे।
या रात्रि में अधिक प्रभावित होता है, तो यदि रात्रि में कुछ अधिक दिक्कत हो रहा हो तो तत्काल थोड़ी सी गुड़ और अदरक लेकर उसका रस अंदर ग्रहण करें, इससे आपको कुछ शांति मिलेगी। अंकुरित गेहूं का रस, जो अंकुरित गेहूं हो जाता है उसका रस आप ग्रहण करें, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हरी सब्जी का प्रयोग करें और रात्रि में यदि आप दूध लेते हैं तो उससे पूर्व थोड़ा सा भुना हुआ चना लें, उसके साथ दूध लें। ऐसा करने से आप अस्थमा रोग से मुक्ति पा सकते हैं। मंत्र में दो मंत्रों का जाप आप करें, ओ सो सोमाय नमः 108 बार और ओ सम सनिश्चराय नमः, ओम सम सनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। आप लोगों को साधुवाद। फिर आपके जन्म कुंडली में कोई समस्याओं का एक सटीक उपचार लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।